पिछले कई दिनों से विवादों में रहे दीप सिद्धू जेल से छूटने के बाद गुरुजी का शुक्राना करने के लिए सचखंड श्री हरि मंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वे एक्टर से पहले वकील हैं और उसके तहत उन्होंने कानून की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि वे वहां से भागे नहीं थे, नेशनल मीडिया ने गलत दिखाया है। वहीं किसानी संघर्ष की बात करते हुए दीप सिद्धू ने कहा कि किसानी संघर्ष ऐसे ही लगातार जारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने हाथ दे के रखे, लगता ही नहीं सी बाहर आ जाएंगे। दूसरी सिचुएशन ये बनी हुई है, अभी महामारी चल रही है, पेंडेमिक चल रही है, हुणे ही मैंने पता लगे अभी बड़े लोग दे आर लूजिंग देयर लाइव्स, है ना, वो बेचारे इस पेंडेमिक च मर रहे हैं, उन्होंने भी अरदास करांगे, पर अपने किसान मोर्चे की भी अरदास करांगे भी आप जित के आइए उतों। सो हरिमंदर साहब आने का मकसद यही है जी, असी कुछ आपके परिवारक तौर पर आके नमाने हो के गुरु साहब अगे अरदास करिए, शुकराना करिए, सो इस करके हरिमंदर साहब आए। जेल का सफर जो किस तरह कि देर जी जेल का सफर तो उ जिहड़ा सहारा सी वह इत्थों ही मिलिया। रोज़ अरदास करदा हुंदा सी, रोज़ श्री गुरु रामदास साहब नूं अरदास करनी, बाबा दीप सिंह नूं अरदास करनी, और उन्होंने कहना शहीदां सिंघां दा पहरा ला के रखो, क्योंकि साढ़े मोर्चे च ते जेल तक मैं गल कहना भी प्रतक्ष हुई है यह गल, शहीदां सिंघां दा पहरा रहा, साडा वाल भी नहीं विंगा होण दित्ता भाई, नहीं लगता नहीं सी इन्नी छेती बाहर आ जाएंगे। मैनू आप नूं आए सी, और मैं वकील हाँ एक पेशे के तौर पर, एक्टर तो हैगा ही हाँ, पर उदू पहला मैं वकालत की आ, मैनू आए सी भी 7-8 महीने लई मिनीमम गए अंदर, पर जदों जिस तरह की आप कानूनी लड़ाई भी लड़ी आ, डिसमिस ऑर्डर करन दा या बेल करन दा भी कोई आधार ही नहीं सी उन्हां कोले, किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं पुलिस कोले, जो इल्जाम लाए बेबुनियाद, मतलब और जज भी यहोजे रब्बी रूहां मिलियां भी उन्होंने ऑर्डर च गल्लां लिखियां, एक एक गल क्लीयर की ऑर्डर च लिख लिख के, चाहे मेरा पहला बेल ऑर्डर सी, उदू बाद रिमांड का ऑर्डर तुसी पढ़ लो, उदू बाद दूजा बेल ऑर्डर पढ़ो, तुसी बेल ऑर्डर पढ़ोगे हैरान हो जाओगे, जिवें उन्होंने पुलिस वाले उन्होंने खिंचया तो पुलिस वाले कहा भी तुसी बेईमानी कर रहे हो इस बंदे नू, क्योंकि एक पब्लिक फेस आ, तुसी जान के एक एग्जाम्पल बना रहे हो इस बंदे दी, और ये सरकारां दे या किसी पोलीटिकल वेंडेटा इहदे चों तुसी कढ रहे हो, अदरवाइज इन्हें ना कोई वॉयलेंस की आ, ना किसी नूं इंस्टीगेट किया, ना किसी होर ये भड़काहट च या किसी उत्थे जो भी कुछ जे कुछ गलत होया होवे, कुट नाल पुलिस नाल कुटमार हुई उहदे च इनवॉल्व सी। दीप जी देखा जाए तो कहा जा रहा कि दीप सिद्धू जदों उत्थे होया सी हिंसा हुई सी तो उस तो बाद भजदे नजर आए सी बाइक दे उत्ते, ओ की है सारी वीडियो की है? नहीं जी ओ उत्थों नहीं, जिहड़ा मैं उत्थे मोटरसाइकिल लैके निकलिया उहनूं पेश बड़ा गलत कीता गया, ओ सुखदेव दे ढाबे दे सामने जदों मैं आके एक ट्रैक्टर ते बैठ के हिंदी च लाइव कीता ना, वो इस करके कीता सी क्योंकि नैशनल मीडिया ने बड़ी ही गलत तरह का नैरेटिव थ्रो कर लग गए सी। वह सो सुखदेव के ढाबे ते जदों मैं कीता उत्थे मेरे ते अटैक होया, उत्थे 15-20 बंदे ने अटैक किया, कुछ बंदे ने मैनू कहा भाई तू लड़ी ना, क्योंकि आप आपदे ही बंदे नाल गालू गाली होंदे चंगे नहीं लगते, वो गल सारी मेरे ते ही आ जानी सी भी तू निकल जा इत्थों। उत्थों मैं निकलिया गां, एक बंदे का मोटरसाइकिल लिया, वो तो उन्होंने नंबर लिया भी बाद मोटरसाइकिल वापस भेज देंगे, वापस भी भेजा, वो सुखदेव के ढाबे तो मैं उतों मोटरसाइकिल लैके निकलिया, क्योंकि अदरवाइज उन्होंने या तो उन्होंने तो लड़ाई वह धार के आए थे भी इनू यदा कोई ना कोई नुकसान करना। इल्जाम लगते लगते 6 महीने हो गए, है ना, तो 6 महीने हो गए इस इल्जाम लगते लगते, यदि कोई बुनियाद नहीं है, कोई आधार नहीं आ, ये गल्लां ਬੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਸੀ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਜਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਹਜੇ 2 FIR ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।